वाट इज़ एंथ चाइल्ड एंड एट्रीब्यूट इंसियज वालेकुम तो आज की इस वीडियो में हम कुछ एडवांस सी ओडो सेलेक्टर्स और क्लासेस के बारे में देखेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम बेसिक से देखे और अब हम दो तीन वीडियो में कुछ एडवांस देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम एंथ चाइल्ड सी क्लासेस को देखेंगे और एट्रीब्यूट्स को देखेंगे उसके जरिए हम अपनी जो डेव है उनको डिजाइन करना सीखेंगे सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो ऑल राइट वेलकम बैक सो अब चलिए देखते हैं कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर और एंथ टाइप सिलेक्टर क्या है तो सबसे पहले तो मैं फॉर्म बना दूंगा जिसमें हम देखेंगे एंथ सॉरी एट्रीब्यूट्स को फॉर्म के अंदर मैं सबसे पहले लगाऊंगा इनपुट और टाइप को टेक्स्ट ही देने देते हैं प्लेस होल्डर को रखते हैं कि प्लेस होल्डर हमारा होगा टाइप योर नेम अब इसको कर लिया इसको कंट्रोल डी करके क्योंकि मैंने शॉर्ट कर ही है कर दूंगा ईमेल टाइप योर ईमेल टेक्स्ट की जगह मैं रख दूंगा ई और मैं इसको जल्दी से सेव कर लूँगा और अब देखते हैं कि हमारा फॉर्म आया है कि नहीं हमारे लाइव सर्वर को जल्दी से कर देंगे रिलोड और आप दे, देख सकते हैं कि हमारा नेम और ईमेल आ चुके हैं और अब मैं इन फॉर्म को जो है पहले तो स्टाइल टेक बनाते हैं और इनको अलग अलग डेव में रखते हैं हमारे इनपुट को ताकि ये इन लाइन में नहीं है ये दोनों अलग अलग लाइन में है तो डेव इनको अलग अलग लाइन में लाएगा इन लाइन जो क्योंकि ये लाइन एलिमेंट है अब मैं अब सी एस एस बताऊँगा कि एटरीब्यूट सेलेक्टर कैसे लगाते हैं अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर पहले तो मैं लगाऊँगा इनको दूँगा इनपुट के पहले तो मैं लिखूँगा इनपुट अब इनपुट तो हमारे दो हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारा जो इनपुट है वो जिसमें नेम है और दूसरा हमारा इनपुट है जिसमें ईमेल है अब हमें कैसे बताएं इस कोड में कि हमें किसको सेलेक्ट सिलेक्ट करना है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा अब ब्रैकेट कौन सा वाला वो अभी मैं दिखाता हूँ ब्रैकेट में ये वाला लगाऊंगा सॉरी ये वाला अब इसमें मैं लगाऊंगा टाइप इज टू अब टाइप इजल्स टू टेक्स्ट रखूंगा अब टेक्स्ट रखूंगा तो ये हमारे ईमेल को सॉरी नेम को सिलेक्ट करेगा देखते हैं मैं यहाँ से इसको स्पेस इस दे दूँगा और अब ठीक है अब मैं कलर दे दूँगा नहीं कलर नहीं बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर बी ए सी बैकग्राउंड कलर आ गया और बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लू अच्छा नहीं लगेगा पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये रखता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा इनपुट है जिसमें टेक्स्ट है मीन्स टाइप इजिकल्स टू टेक्स्ट है उसको इसने सेलेक्ट कर दिया अब टाइप इजल्स टू ई मेल कर दूँ ये ई मेल को हमारी को सेलेक्ट कर देगा एक मिनट में टीक कोट हटाता हूँ अभी ई मेल अब ठीक है अब ई मेल रखूँगा तो आप देख सकते हैं देख के ये ई मेल में आ चुका है अब ये तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर टाइप की मदद से हो गए अब दूसरा कैसे है दूसरा हम ए, ए लिंक लगा देते हैं मतलब हमारा एंकर टैग लगा देते हैं एंकर टैग में क्या रखूँगा कुछ भी विजिट बलिनाओ गूगल डॉट कॉम सेव कर दूँगा और हमारी लिंक में जो टेक्स्ट है उसको रखूँगा टारगेट नहीं टारगेट नहीं सॉरी उसको रखूँगा मैं विजिट गूगल अब विजिट गूगल लगा दिया है अब देखते हैं हमारे जो दूसरा है एट्रीब्यूट सेलेक्टर उसको अब उसमें मैं टारगेट तो रखूँगा अब टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक अब ये क्या है ये हमारी जो लिंक है उसको दूसरे टेप का टेप में खोलने के लिए हम टारगेट और इसको ब्लैक लगाते हैं अब मैं करता हूँ ए दूसरा कोई एंकर टैग लगा देता हूँ उसको भी फेसबुक फेसबुक डॉट कॉम लगा दूँगा और इसमें हम टारगेट नहीं लगाएंगे इसको ऐसे ही रखने गे तो फेसबुक डॉट कॉम विजिट फेसबुक अब ठीक है अब हम सेलेक्ट करते हैं ए रखूँगा तो आपको पता होगा कि ये सारे ए जो है सारे जो हमारे एंकर टैग है उन सबको सेलेक्ट कर लेगा पर जैसे ही मैं जैसे मैंने बताया था कि हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं हमारे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए तो मैंने वो लगा दिए अब क्या करूँगा मैं टारगेट लिखूँगा अब टारगेट लिख के खाली ब्रैकेट्स लगा दूँगा और उसके अंदर मैं कलर लगा दूँगा ब्लैक अब ब्लैक कलर लगा दिया है मैंने तो आप देख सकते हैं जिसमें टारगेट होगा उसमें ही आएगा अब मैं जाता हूँ हमारे लाइव सर्वर में तो आप देखेंगे कि हमारा जो लिंक है जिसमें हमने टारगेट लगाया वो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा और राइट हमारा लाइव सर्वर रिलोड हो चुका है और अब आप देख सकते हैं जिसमें हमने टारगेट लगाया था उसका कलर ब्लैक हो चुका है पर हमने फेसबुक में नहीं लगाया था तो उसका कलर ब्लैक नहीं हुआ अब मैं इसको चेंज भी करके देखूँगा टारगेट कर में यहाँ से कॉपी करके इसमें लगाऊँगा तो हमारे जो फेस विजिट फेसबुक का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा अब ये तो हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स अब एट्रीब्यूट्स के अलावा जो मैंने कहा था कि हम देखेंगे एंड चाइल्ड के बारे में एंड चाइल्ड के बारे में देखने के देखने से पहले मैं इसको कर दूंगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ अच्छा दिखने लगेगा अब फॉर्म के बाहर जाते हैं और मैं अब दूसरा डेव बना दूँगा डेव बनाऊँगा डेव के अंदर यू एल लगाऊँगा यू एल के अंदर एल आई एल आई को कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय फाइव एल आई मल्टीप्लाई बाय फाइव कर लिया है अब इन सारों के अंदर मैं कर्सर लगाऊंगा एक मिनट मैं इसको टेन रखता हूँ और हमारे टेन एल आई जो है वो बन जाएंगे अब अब हमारे टेन एल आई बन जाएंगे हम अब सारे में कर्सर लगाएंगे एक एक करके तो हमारे हमने सारे में कर्सर लगा दिया हम इन सारों को सेलेक्ट कर लिया है अब मैं इसमें लिखूँगा लिंक्स लिंक्स नहीं एल आई लिख लूँगा एल आई एल आई ऑफ डेव अब ये सिंपल टेस्ट लगा दिए मैंने अब हम एंथ चाइल्ड को देखेंगे अब एंथ चाइल्ड के देखने से पहले मैं वन लगा दूँगा और इसमें टू हम मैं इसको सारों को सारे में अपने सीरियल नंबर लगाऊंगा ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना और राइट तो मैंने सबने सीरीज लगा दिए और अब हम एन child का यूज़ करेंगे और एंथ child यूज़ करने के लिए मैं जाऊँगा स्टाइल टैग के अंदर और स्टाइल टैग के अंदर मैं सिलेक्ट कर दूँगा एल को अब एल को लगाऊँगा तो हमारे सारे एल आई सिलेक्ट हो जाएंगे पर मैं एन चाइल की मदद से सिर्फ उस स्पेसिफिक एल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं लगाऊँगा कॉलन हमारा और कॉलन के बाद एंथ चाइल्ड अब एंथ चाइल्ड आ गया हमारा एंथ चाइल्ड में मैं फिफ्थ वाले को सेलेक्ट करना चाहता हूँ हमारा फिफ्थ आ गया और अब मैं फिफ्थ में लगाऊंगा हमारा जो एल आई का फिफ्थ है फिफ्थ को सिलेक्ट कर लेगा जो हमारा फिफ्थ वाला है अब मैं इसका कलर कर दूंगा कलर कलर को ब्लू वायलेट रख दूंगा अब ब्लू वायलेट रखने के बाद जैसे ही रिलोड हो जाएगा ये फिफ्थ वाले को हमारा पर्पल कलर देगा वायलेट कलर हमारा दे देगा और राइट तो ये इसने फिफ्थ हमारे एंथ चाइल्ड को सिलेक्ट कर दिया है तो ये एल आई जो है हमारा पेरेंट है और एंथ चाइल्ड मीन्स इसके फिफ्थ वाले जो एल आई है उसको सेलेक्ट कर है अब मैं दूसरा दिखाता हूँ जैसे कि टू एन प्लस ज़ीरो अब टू एन प्लस ज़ीरो क्या करेगा ये जो भी मीन्स टू की टेबल लगा के टू फोर इन सबको ब्लू वॉलेट कर देगा अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने पहले टू को किया फिर फोर को किया फिर सिक्स को फिर एट को फिर टेन को उसके बाद मैं टू के बाद अगर थ्री लगाऊँ तो थ्री में ये थ्री से स्टार्ट करेगा तो जैसे ही हमारा लाइफ लोड हो जाएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा और एट तो आप देख सकते हैं कि ये दो छोड़ के तीन पे जो पहले थ्री को कर रहा है फिर सिक्स को फिर नाइन को तो ऐसे ही थ्री के टेबल के साथ ये हमारे जो जितने भी चाइल्ड हैं एल के उनको कलर दे जाए देता जाएगा ब्लू वायलेट अब ये कलर तो ब्लू वायलेट आ गया पर अब अगर आप इवेंट और ओड में अलग अलग देना चाहते हैं जैसे कि मैं इवेंट दूंगा तो ये सारे इवेंट को कर देगा अगर मैं ओड करूंगा तो सारे ओड नंबर को ये ब्लू वायलेट देता जाएगा तो ये थे हमारे एंथाइल्ड और एट्रीब्यूट आज की वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ आखिरी क्लासें होगी स्टूडो सेलेक्टर्स की इसमें हम कुछ मजीद फिर वो को देखेंगे आज की वीडियो तो को लेटनाएँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए थैंक यू